अच्छा ओके थैंक यू वेरी मच राहुल जी फॉर द लवली इंट्रोडक्शन. अच्छा एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा रहा है कि अच्छा कोई बताएगा मेरे को कि भारत की लेडीज सबसे ज्यादा एक दिन कब रोई थी? मीर के मरने पे बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया आपने अदितीश जी. एक शायद मैंने एक साथ कलेक्टिवली कब रोई थी मिहिर के मरने पे? मिहिर के मरने पे बड़ा 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 अजीब सा माहौल था. बड़ा अजीब सा माहौल है. मुझे पता लगा मैं फटाफट कॉलेज से भाग करके आया. मुझे मैंने घर पे देखा अजीब सा माहौल हो रखा था. हाय चला गया. मैंने कहा क्या हो गया? अरे सब कुछ खत्म हो गया. मैंने कहा यार देखा इधर उधर को. मैंने कहा पापा कहाँ हैं? बोले पापा तो सब्जी लेने गए. मैंने कहा हमारा वाला तो ठीक है फिर हुआ क्या? बोले नहीं आज रात को सब कुछ खत्म हो जाएगा. मैंने क्या हो गया भाई? मिहिर चला जाएगा आज रात को 11 बजे. मैंने कौन मिहिर? बोले तुलसी का पति. मैंने कौन तुलसी? बागी बहू. मैंने कौन बा इसकी बा? चलो कोई बात नहीं. वेल वंदे मातरम प्रगति. मैं जितेंद्र कुमार फ्रॉम क्राफ्टिंग एक्सपीरियंसेस ए ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी. वी टेक केयर ऑफ ऑल द डोमेस्टिक इंटरनेशनल पैकेजेस. क्राफ्टिंग एक्सपीरियंसेस डील्स इन हॉलीडेज, एयर टिकट्स, क्रूजेस डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है. और माइस मोमेंट में हमारा जितना भी कॉर्पोरेट्स का है, कॉर्पोरेट्स की मीटिंग्स, इंसेंटिव ग्रुप्स, देयर इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, वी टेक केयर ऑफ ऑल दीज ग्रुप्स. वीजाज एंड वेडिंग्स. ये एक रियल फोटो है जो हमने वेडिंग की है गिरीश गुप्ता जी के यहाँ पर, जो हमने जयपुर में उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग की थी. इनके US के क्लाइंट थे बेसिकली, जिनको एक हेरिटेज प्रॉपर्टी चाहिए थी, हेरिटेज वाला लुक चाहिए था, तो हम उनको जयपुर लेकर के गए थे. जयपुर में ये चोमू पैलेस है जो कि जो हमने मूवी में भी देखा है, बोल बच्चन मूवी में है ये. उस जगह का हमने ये वेडिंग का हमने प्रोग्राम उनके लिए अरेंज किया था. अच्छा हम करते क्या क्या है, हम कस्टमाइज पैकेज करते हैं. आई एम सॉरी. कस्टमाइज पैकेज करते हैं फॉर कपल, हनीमून पैकेज और उनकी वेडिंग एनिवर्सरीज के लिए. फैमिली पैकेज हो सकता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल. और ये स्टूडेंट्स ग्रुप पैकेजेस भी हम करते हैं, डोमेस्टिक हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है. अच्छा रिलीजियस पैकेजेस भी करते हैं, जैसे अभी आजकल अमरनाथ केदारनाथ चारधाम यात्रा जो है अभी ऑन है, तो जिस किसी को भी अगर चाहिए तो उस तरह की हेल्प भी हम कर सकते हैं. ये माइस मीटिंग जो हमने अभी बताया था. अच्छा मैं आज ज़्यादा अपने बारे में ना बता करके, एक जो बेसिक सा इशू है आजकल जो ट्रैवल एजेंट को कंपेयर करते हैं ऑनलाइन बिजनेस से, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ. एक ट्रैवल एजेंट है और एक तरफ ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स है. अभी क्या हो रहा है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रैवल एजेंट को इग्नोर करके वो ऑनलाइन कुछ बाय करने की कोशिश करते हैं. तो उसमें होता क्या है, ऑनलाइन में आप देखेंगे हमेशा प्राइस आपको सस्ता दिखाई देगा, प्राइस हमेशा सस्ता दिखाई दे सकता है. हमारा एक बारी को ज़्यादा दिखाई दे सकता है, लेकिन वो वेरिएशन प्राइस में क्यों आता है? वो GST नहीं दिखाते, टैक्सेस वगैरह नहीं दिखाते. बाद में जब आप फाइनल पेज पे जाते हो बुक करने के लिए तो प्राइस कुछ और चेंज हो जाता है, तो ये वेरिएशन प्राइस में उनके साथ आता है. उसके बाद उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है प्राइस को लोअर डाउन करने का कि उसमें इंक्लूजन्स क्या हैं, एक्सक्लूजन्स क्या हैं वो कभी मेंशन भी नहीं करते, और बाद में जाकर के पता चलता है कुछ और होता है. अभी मेरे क्लाइंट के साथ ऐसे ही हुआ. मालदीव का पैकेज उन्होंने ऑनलाइन बुक कर लिया. अब ऑनलाइन उन्होंने बुक तो कर लिया, सारे टैक्स भी देख लिए एक बारी को लास्ट में आकर के कि हाँ टैक्स भी इंक्लूडेड है. अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ पर उसमें ट्रांसफर्स इंक्लूडेड नहीं है. अब वहाँ जाकर के मालदीव्स में मालदीव्स का होटल बुक करना स्टिल ईजियर,
लेकिन वहाँ के ट्रांसफर बुक करना इज वन ऑफ द बिग टास्क। अब वहाँ पर वो परेशान है, वहाँ पर इंटरनेशनल में जा चुके हैं, वो कॉल लगा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन उनकी कॉल नहीं लग पा रही है। फाइनली इन्होंने मेरे को कॉल किया, क्योंकि इन्होंने थोड़ा बहुत काम मुझसे पहले किया था। अब सस्ते के चक्कर में इन्होंने मालदीव्स का पैकेज ऑनलाइन ले लिया था। तब जा करके हमने उनका वहाँ पर इमिडिएटली ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कराया, जो कि स्पीड बोट के साथ था। वो वहाँ पर गए, ऐसा मेरे पास एक टेस्टिमोनियल वीडियो है, आई शो, कभी मैं ग्रुप में भेज दूंगा। अच्छा, अब हैविंग सेड दैट, उनके पास प्राइस को लोअर डाउन करने का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उनकी जो चॉइस ऑफ होटल्स है वो कुछ भी रख लेते हैं। एग्जांपल, अभी आप दिल्ली में अगर आ रहे हो तो दिल्ली में हमें क्या चाहिए, हाँ, लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दिल्ली की लोकेशन में कनॉट प्लेस एक प्राइम लोकेशन है, वहाँ पर 3-स्टार होटल, 4-स्टार होटल, 5-स्टार होटल मिल जाते हैं। लेकिन ये कॉस्ट को लोअर डाउन करने के लिए आपका होटल हो सकता है आपको करोल बाग में दे दें, झंडे वालान में दे दें, हो गया आपका दिल्ली में ही होटल, लेकिन कॉस्ट को लोअर डाउन करने के लिए आपको उधर दे दिया, इतनी ही कॉस्ट आपकी ट्रांसपोर्टेशन में लग जाती है, इतनी कॉस्ट आपकी ट्रांसपोर्टेशन में लग जाती है। तो उनका चॉइस ऑफ होटल जो होता है, प्राइस को देखते हुए लोकेशन भी चेंज हो जाती है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, जो अनकम्प्लीट इंक्लूजन्स हैं वो भी इसके साथ होता है, जैसा भी बताया, टैक्सेस वगैरह इसमें इंक्लूजन शो नहीं करते कभी कभी, कुछ इंक्लूजन्स ऐसे होते हैं जो शो नहीं करते कभी कभी, ऐसा होता है कि मील्स हमें कुछ और चाहिए होती है। एग्जांपल अगेन, मालदीव्स को लेकर के वहाँ पर जब जाते हो तो सारी मील को आपको लेके जाना चाहिए। दिस इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो विद ऑल मील्स, क्योंकि वहाँ पर आपको रिजॉर्ट में ही रुकना है, बाहर आने जाने की व्यवस्था होती नहीं है। अब ये क्या करते हैं कि वो ब्रेकफास्ट के साथ दे दिया, और वहाँ पर मील मिलना और पानी तक मिलना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। कुछ अगर खाने की चीज़ आप ले रहे तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर ऑल मील, स्पेशली फॉर मालदीव्स। हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ कुछ भी अगर चैलेंज है गेस्ट को तो इमिडिएटली वो फ़ोन करेगा, तो मी एंड माई इंटायर टीम इज़ अवेलेबल 24/7, राइट। तो अच्छा, कुछ अगर चेंजेस चाहिए, आपने टिकट बना ली, एग्जाम्पल आपने टिकट अगर बना ली तो उसके बाद चेंजेस अगर कुछ कराना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप सिंपली यहाँ पर कॉल करेंगे, वो चेंज हो जाएगा। हो सकता है कुछ चार्जेस के साथ हो सकता है एक बारी को कि आपने जो टिकट बनाई है वो नॉन रिफंडेबल हो, ठीक है, वो आपको पहले ही एडवाइस कर दिया जाता है, लेकिन सिस्टम कभी आपको ये नहीं बताएगा, सिस्टम कभी आपको ये नहीं बताएगा कि इस तरह से चेंजेस हो सकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि हम आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम हमेशा आपको बता के चलेंगे कि भाई यहाँ पर आपको इस मील के साथ जाना चाहिए, आपको ये वाला होटल लेना चाहिए, आपको इस लोकेशन में रुकना चाहिए, या अभी मौसम के हिसाब से या टाइम के हिसाब से आपको इस जगह जाना चाहिए ट्रैवल के लिए। वो आपको कुछ नहीं बताएगा, आप सिंपली गूगल करोगे, होटल देखोगे या फ्लाइट देखोगे, सिंपली आप बुक करोगे। दिस इज द मेजर डिफरेंस। अच्छा, वी आर एसोसिएटेड बाय एंड अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड गुजरात टूरिज्म। अच्छा, द ऑर्गेनाइजेशंस जो है, हम आईटा अप्रूव्ड हैं, ईटा इज ट्रैवल एसोसिएशन जिससे हम अप्रूव्ड हैं, आईटा से हम अप्रूव्ड हैं। तो दीज आर सम एसोसिएशंस विच वी आर अप्रूव्ड बाय। अच्छा, अब हमारी फीडबैक आप किससे ले सकते हैं या किस किस को हमने सर्व किया है। आई वुड लाइक टू से अ बिग थैंक्स टू प्रगति परिवार। मुझे लगता है ऑलमोस्ट ज़्यादातर सभी लोगों को मैंने कोशिश किया सर्व करने की। जबरदस्त किया। ओके, लेट्स हियर फ्रॉम मनीष। आपने अभी यूज़ किया पैकेज? आई यूज सर्विसेज फॉर थाईलैंड। थैंक यू सो मच। वहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने कॉल कर दिया था, तो उसी टाइम मतलब कैब वगैरह अर्जेंटली आप अरेंज करते। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। ओके, वंडरफुल। ये मनीष जी का जो था, मैंने डायरेक्ट ही ग्रुप बना करके सीधा जो वहाँ के लोकल सप्लायर्स हैं, जो लोकल वेंडर्स हैं बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन वाले, उनके साथ सीधा कनेक्ट था। सारी बातें हो रही थी, कितने बजे सुबह मॉर्निंग में पिकअप हो रहा है, कितने बजे वहाँ जाना है, कितने बजे आपको कहाँ मिल रहा है। तो उसमें आप थे, मेरी टीम थी और वो लोग थे जो ट्रांसपोर्टेशन को टेक केयर कर रहे थे। राइट, काफ़ी कन्वीनियंट रहा था। और ये इनका पहला हनीमून पैकेज भी मैंने मालदीव्स का किया था, उसके बाद इनका ये थाईलैंड का मैंने किया था भाभी के साथ, भाभी थाईलैंड भाभी जी के साथ। सर, अभी हनीमून चल रहा है। सर, लास्ट टाइम
भूपेंद्र भाई ने एक हमारा ग्रुप भेजा था, नीतीश ग्रुप भेजा था, तो आप लोग जब भी कभी भी किसी होटल में रहते हैं तो लास्ट कॉल आपके पास कब आती है डिनर की? 10 बजे फोन आ जाता है, 10:30 बजे आ जाता है कि भाई आप डिनर क्लोज होने वाला है, तो आप अच्छे अपना डिनर कर लीजिए। लेकिन सर मैं बता नहीं सकता हूँ, रात को 2-2 बजे सर ने डिनर अरेंज कराया। अच्छा, और वो भी साथ किया था, क्योंकि रात को 2 बजे तक तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। और वो भी कर थैंक यू वेरी मच। ये हमारे कुछ प्रगति मेंबर्स हैं जिनको हमने सर्व किया है। अंजू जी से बहुत बिजनेस मिला है, आलोक गुप्ता जी का सारा कॉर्पोरेट्स का काम मैं ही देख रहा हूँ, और गिरीश गुप्ता जी का भी मैंने जैसे बताया इनके यहाँ वेडिंग वाला प्रोग्राम मैंने किया है। अनिश रखेजा जी का अभी मैंने एक ग्रुप किया है काठमांडू के लिए, वो चल रहा है, पाइपलाइन में है, अभी ट्रैवल होना बाकी है। कपिल खंडेलवाल जी का सारा काम मैं कर रहा हूँ। जगदीश जी का जी RW से भी उन्होंने मुझे कनेक्ट कराया, उनके भी सारे काम मैं देख रहा हूँ। रोहन जी, अभिषेक भैया, अभी अभिषेक भैया ट्रैवल कर रहे हैं, तो लगभग 7-6 दिन का पैकेज है, वो भी मैंने इनको किया है। तो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मुझे हेल्प किया है। दिनेश जी, राजीव गर्ग जी, पंकज जैन जी, मनीष बुद्धि राजा जी, ये सब ऐसे प्रगति मेंबर्स हैं, प्रगति फैमिली है, जिनसे मैंने हमेशा मुझे बिजनेस मिलता रहा है। विजयदीप जी, डॉक्टर रजत माथुर जी, नीतीश जी, अरुण बजाज जी, थैंक यू वेरी मच प्रगति फॉर मिसिंग मी ऑल्सो।